गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि ऑयल या फिर वाटर के टैंकर हमेशा गोली क्यों बनाए जाते हैं, जबकि अगर क्यूबिकल शेप में बनाए तो टैंकर की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, फिर भी हम लोग ऐसा नहीं करते। इसके पीछे का रीजन क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। उसके पीछे का रीजन ये है कि जब भी किसी लिक्विड को किसी बॉडी में कैरी किया जाता है तो वो लिक्विड बॉडी के कॉर्नर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से कॉर्नर्स के क्रैक होने की संभावना बढ़ जाती है और लिक्विड वहां से लीक भी हो सकता है। इसके विपरीत अगर बॉडी गोल हुई तो वहां पर कोई कॉर्नर होते ही नहीं है, तो क्रैक कहां से होगा। इसके अलावा जो गोल टैंकर्स होते हैं वो ट्रक को एक लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड करता है, जिससे टैंकर और ट्रक की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारे देश में बेटियों के सुरक्षा के मुद्दे पर लोग बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर बहुत ही कम लोग हैं जो इसके लिए काम करते हैं, और उनमें से एक हैं राजस्थान के कोटपुतली गांव के डॉक्टर आरपी यादव जी। डॉक्टर आरपी यादव जी को जब पता लगा कि उनके गांव की बेटियों के पास कोले जाने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और जब वो पैदल ही निकल पड़ती हैं तो उन्हें रास्ते में छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है, तो डॉक्टर साहब ने ये देखकर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी अपने पीएफ अकाउंट से निकाली। लगभग 19 लाख रुपए में उन्होंने एक बस खरीदी और 2016 में स्वतंत्रता दिवस पर अपनी बेटियों को एक बस गिफ्ट की, और आज वही बस उन बेटियों को कॉलेज तक फ्री में छोड़ने के काम आती है। सरकार ने भी इसे बिल्कुल टोल टैक्स फ्री कर दिया और रोड टैक्स फ्री भी कर दिया। गाइस, इससे पता लगता है कि वाकई में आज भी बड़े दिल वाले लोग बहुत सारे हैं। गाइस, ये घटना सुनकर आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube